हाँ, इधर कबूतर ही कबूतर है। मजा है, देखते हैं। बहुत सारा कबूतर है, इधर आप कबूतर बन जाए। अभी मैं नी रोड आ चुका हूँ। आज मैं आपको एक दरबार स्क्वायर दिखाने वाला हूँ, जो मतलब काठमांडू का सबसे ओल्डेस्ट वो दरबार स्क्वायर है। तो अभी हम लोग नी रोड में, इट्स वेरी हैवी ट्रैफिक, आप यहाँ देख सकते हो, इट्स वेरी 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 हैवी ट्रैफिक। आप देखो ये नी रोड है और आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये विशाल बाजार है, वो सुपर मार्केट है, तो मैं बाद में उसे कवर करता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दरबार स्क्वायर। सो इसका मैं हिस्ट्री भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इधर से थोड़ा सा आगे जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपको दरबार स्क्वायर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, नेपाली के लिए नहीं है। तो टिकट कितना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, फॉर नेपाली के लिए फ्री है, फिर इंडियन के लिए आप देख सकते हो कितना लिखा है, 150 सात कंट्री के लिए है, तो और अदर कंट्री के लिए 1000 है। तो आप लोग जब भी आओगे तो फर्स्ट आप यहाँ आके टिकट ले लेना, नेपाली के लिए फ्री है। ये दीदी बैठती है इधर, आप इनसे टिकट ले लेना इधर आके। चलिए मैं दरबार स्क्वायर जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसे हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर कहा जाता है। तो ये मतलब यंगस्टर के लिए काठमांडू वैली में वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस है, मतलब मैक्सिमम यंगस्टर, यंग जितने भी हैं, लड़का लड़की सभी लोग इधर विजिट करते हैं। और इधर आपको कुछ फूड कोर्ट भी मिल जाएगा और हैंडीक्राफ्ट का दुकान सब भी मिलेगा, आप देख सकते हो। ये आपको हैंडीक्राफ्ट का दुकान मिल जाएगा। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो रस और भी ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही रस है। अब ये देख सकते हो, ये साइड में आपको ज्वेलरी, इधर आपको पश्मीना, ये सब सब सारा मिल जाएगा, आप पश्मीना ले सकते हो। ये दरबार स्क्वायर को, जैसा मैंने बताया, इसे हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर कहा जाता है। और ये जो ओल्ड किंग, मतलब जो डायनेस्टी ऑफ मल्ला, और या मल्ला का ही मुझे याद आ रहा है, और राणा, तो वो लोग का ये दरबार स्क्वायर था। तो वो लोग जब रूल करते थे तो किंग, उस समय का किंग जो है, आपको इधर ही बैठते थे। इधर आपको कुछ फूड कोर्ट भी है, तो इधर ही बैठते थे। और ये जो दरबार स्क्वायर है, जो मतलब आपको क्या मतलब, जो अप्रैल मंथ में जो अर्थक्वेक आया था, अप्रैल 2015 में जो अर्थक्वेक आया था, तो इसमें बहुत सारा जो भाग, जो इसका पार्ट है, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए मैं आपको दरबार स्क्वायर, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। सो विल गो द फ्रंट, विल शो यू समथिंग मोर। The spirit is awesome. You can see lots of people is hanging around here. आप देख सकते हो ये दरबार स्क्वायर, जो मेन पैलेस, किंग का जो पैलेस था, तो उसका ये पीछे का भाग है। तो अभी तो अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसके अंदर म्यूजियम है, पता नहीं वो खुला है कि नहीं। इस ऑसम एवरीवेयर, आपको दुकान, शॉप, सभी लोग यहाँ हैं अराउंड। ये दरबार स्क्वायर का मेन है, ये इस जगह में, आई डोंट नो द एग्जैक्टली, बट इधर शायद असेंबली होता था या कुछ फंक्शन होता था, तो पब्लिक लोग इधर ही बैठते थे। देख सकते हो, इस वेरी वेरी ऑसम व्यू, प्रीटी व्यू। तो
इसके पहले आपको मल्ला एंड राजा जो किंगडम था, तो उस समय में वो लोग का जो रूलर थे उस टाइम में, तो वो उन्हें इधर मतलब इधर ही रहते थे। आर्टिफैक्ट देख सकते हैं आप यहाँ, ये दरबार स्क्वायर का है। जैसे कि एंटीक रिंग ये सब आपको चाहिए तो इधर कान का झुमका हो गया, बाली हो गया, एयरिंग हो गया, अंगूठी हो गया, तो ये सब आपको इधर नज़र आ जाता है। अभी चलता हूँ दूसरे जगह, आगे का मैं दिखाता हूँ आपको। यंगस्टर ही नज़र आएगा, लड़का लड़की भी नज़र आएगा। तो ये हॉटेस्ट प्लेस है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैलेस है। तो और ये जो मतलब जैसा मैंने बताया, ये आपको मल्ला एंड राणा डायनेस्टी का ये मतलब वो लोग रूल जब रूल करते थे मेरे को। पब्लिक लोग जितना भी है सब इधर आके बैठते हैं, हैंग अराउंड करते हैं इधर। ये आपको एक स्कूल है, ये स्कूल है, अच्छा प्लेस है। अभी तो आफ्टरनून है तो पब्लिक थोड़ा कम है, जैसे जैसे शाम ढलेगी तो पब्लिक का यहाँ सभी लोग हैंग अराउंड करने के लिए यहाँ आते हैं। आसपास में बहुत सारा फूड कोर्ट है, तो इधर आदमी से बैठते होंगे। जैसे ये आगे है आपको, ये बहुत ही प्रीटी था। मेरे पास ओल्ड फोटो है, मैं जब बहुत पहले विजिट किया था तो ये अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसे रिनोवेट किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का। ये एंट्री होगा, मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। अभी तो एंट्री अलाउ नहीं है, ये साल में एक बार अंदर खुलता है, तो शायद वो दुर्गा पूजा जो दीपी हम लोग बोलते हैं, तो इधर से एंट्री है आपका। अंदर भी रिमोट चल रहा है, आप ये देखो। एक ये जो है आपका, ये भी आपको बहुत अच्छा था, वो मिट्टी का बना हुआ था। तो ये भी आपको 2015 का जो अर्थक्वेक आया था, तो ये 2015 का अर्थक्वेक में ये डिस्ट्रॉय हो गया है, तभी रिनोवेट का काम चल रहा है। वेरी नाइस व्यू सिटी, अब जब आप लोग आओगे तो बहुत ही मज़ा करोगे, इट यूनिक है। जैसा कि मैं ये बता दूँ, ये आपका हनुमान ढो का दरबार स्क्वायर है, और ये जो आपको वर्ल्ड हेरिटेज में काउंट होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को में ये लिस्ट किया हुआ है। आप लोग यूनेस्को के वेबसाइट या गूगल में आप सर्च कर सकते हो। एक बहुत अच्छा है, मतलब आपको जो इसका जो मतलब जो आर्किटेक्चर जो है, तो एक नेवार ट्राइब होता है नेपाल में, तो उसके जो नेवार ट्राइब का जो है उसके अनुसार किया हुआ है ये। एक और मैं स्लाइटली बता देता हूँ कि काठमांडू वैली के अंदर आपको 3 किंगडम सिस्टम था, तो एक आपको काठमांडू, सेकेंड भागपुर एंड थर्ड आपको ललितपुर। तो ये काठमांडू का दरबार स्क्वायर है, ओल्ड एंशंट टाइम का दरबार स्क्वायर है। तो इसके पहले जो आपको मतलब जो नेपाल का जो ट्राइब होता है मतलब नेवार, वो लोग का राज चलता था। तो बाद में जो आपको राणा एंड मल्ला ने इधर रूल किया, उसके बाद जो है आपको शाह ने रूल किया इधर, तो शाह का दरबार तो आपको अलग दूसरी जगह बन गया। तो ये दरबार स्क्वायर का मतलब यूनिक क्या है आपको, यहाँ आपको दरबार भी है, मंदिर भी है, और इट्स वेरी यूनिक। आई मीन कल्चर का उस एंशंट टाइम में वो मतलब ये ढंग डेवलप किया गया था।
ये आपको इधर बहुत सारा दुकान मिल जाएगा, जैसे ये इधर आपको मंदिर भी है, मैं भी मंदिर दिखाता हूँ। जैसे ये दुकान सब है, आपको इधर दुकान मिलेगा, छोटा छोटा दुकान है ये। आपको इधर फल फूल ये सब वैसे सारा मिल जाता है, पूजा सामग्री भी मिल जाएगा आपको। ये भी एक मंदिर था, तो ये भी आपको शायद डिस्ट्रॉय हो गया, ये जो आपको है ये अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसका रिनोवेट का काम चल रहा है। इसके अंदर मंदिर था और समथिंग कुछ था। तो काठमांडू वैली जो है आपको इसकॉल सिटी ऑफ टेंपल, टेंपल ऑफ सिटी आप जो भी कह सकते हो। इधर आपको मतलब इधर आपको दरबार स्क्वायर हुआ, और दरबार स्क्वायर में काम करने वाले और जो भी जनता लोग थे, तो उन लोग सब इस एरिया के पार्ट में, मतलब इससे जस्ट ये इधर एक पार्ट हो गया, एक पार्ट आपको इधर हो गया, और एक इसके पीछे है, तो इसके सराउंडेड वो लोग रंग रहते थे। ऑसम स्पीटी व्यू, मैं आपको आगे दिखाता हूँ मंदिर है, इधर मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये आपको हनुमान जी का, गणेश जी का मंदिर है। सो स्पेशली सॉरी, ये आपको नेपाली सॉन्ग होगी, आमला होगी, फूल बेच रहे हैं। ये गणेश जी का मंदिर है, ये गणेश जी का मंदिर है। सो ऑन ट्यूजडे अगर मोस्ट ऑफ पीपल आर विजिटिंग, ट्यूजडे को आपको बहुत रश रहता है यहाँ गणेश जी का मंदिर। को बहुत ज़्यादा रस रहता है ना। और जैसे ये आपको जो अंदर तो जा नहीं सकते, तो इधर ये फूल रखा होता है, ये और ये टीका रहता है, टीका मतलब जो अभी या उससे जो बना होता है, तो जो भी आप इधर से ऐसा उठाएं, इस तरह से आप उठाएँ और खुद ही लगा लें, पुजारी का काम नहीं है, क्योंकि पुजारी तो रहते हैं इस तरह करके, आप ये देख सकते हैं ये। उसके बाद नॉर्मली ऐसे रखा जाता है। सो आई विल शो यू द अदर प्लेस, मैं ट्राई करता हूँ आपको मैक्सिमम प्लेस कवर किया जाए। जैसे ये फूल सब है, जैसे ये मछली सब है, तो ये जो मंदिर है वो ये सूखा मछली है, तो ये मंदिर सब में चढ़ाया जाता है, ये मछली सब निकाले तो मंदिर में आपको मांस मछली ये सब सारा ये भगवान को पूजा के लिए डाला जाता है, चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं, एवरीबॉडी इज वॉचिंग, दे यूज टू बाय, ये इधर खरीद के जो है ये खरीद के जो है मंदिर में चढ़ाते हैं। और ये फूल है, और ये जो माला है आपको वो एक फेस्टिवल आने वाला है, तो उस फेस्टिवल में इसको यूज करते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है ये, मतलब हैंग अराउंड के लिए, मतलब इधर आके हैंग अराउंड कर सकते हो, इट्स अ नाइस प्लेस। सो यू व्हेनेवर यू विल विजिट, सो ये तो टूट गया है आपका, तो ये भी शायद मंदिर है, आई एम नॉट श्योर। ये ऑल आपको कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये आपको ये वुडन का कंस्ट्रक्शन है, वुडन के कंस्ट्रक्शन में आपको ये नक्काशी, ये कुछ भगवान, बहुत इस वेरी एंशियंट टाइम का, आई डोंट नो द एक्चुअली, मैं 19th सेंचुरी में आपको मल्ला एंड राणा का जो
पैलेस था तो इधर ही था, तो शायद उसी टाइम में ये बंग बनाया हुआ है। हमें खड़े दंडी बातचीत करो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी द आई मीन द बहुत अच्छा नक्काशी किया हुआ है वो जो लकड़ी में खुद के बनाया है। जैसे आपको, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें तो कवर नहीं हो रहा होगा, आप ऊपर देखोगे तो वो भगवान है। तो उस सर से आदमी लोग जो है, मतलब जो भी किंग फैमिली के रहते थे, तो वो लोग अंदर से देखने के लिए, वो एक तरह का विंडो ही कह सकते, तो वो लोग उधर से देखते थे। और एयर सर्कुलेशन का भी वो काम करता था, मतलब इधर से आप देख भी सकते और एयर सर्कुलेट भी होता था। तो बहुत ही मनमोहक व्यू है, इट्स रियली अमेजिंग व्यू। आप जब भी इधर विजिट करोगे तो आप रियली यू विल इंजॉय द आई मीन एंशिएंट टाइम का जो आई मीन यो जो कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने बताया ये आपको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी आपका ये लिस्ट किया हुआ है, तो आप वर्ल्ड हेरिटेज में भी आप इसको देख सकते हैं। आप वेबसाइट में जाओ, वर्ल्ड यूनेस्को के वेबसाइट में या गूगल में, तो आपको उधर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि पब्लिक लोग बैठा है, सब लोग इधर से आगे बैठते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। इस तरह का देखो बना हुआ है, तो आगे जो ऐसा जो है ना, वो सभी लोग इधर आके इवनिंग में आके बैठते हैं, तो उस समय शायद ये आपको इस ये परिसर में आपको मतलब मंदिर है, एक आगे मंदिर, मैं भी मंदिर दिखाऊंगा, एक मंदिर इधर है और एक मंदिर आपको तो वो साइड में है, तो शायद तो वो जो भी जनता लोग होते होंगे तो उनके बैठने के लिए आपको इधर ऐसा बनाया हुआ था। देख सकते हैं बहुत सारा ये क्या कबूतर है इधर, वन स्मॉल किड्स इज एंजॉयिंग ये, क्योंकि जो भी इधर आते हैं, इधर एक मंदिर है तो जो भी इधर आते हैं तो वो लोग इधर आपको दाना मतलब मकई गेहूँ ये सब फेंकते हैं, मतलब ये डालते हैं, ये सब खाने के लिए दिया जाता है। इधर आपको दिखाता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये काली माँ का मंदिर है क्या है। जैसे कि ये दिया जल रहा है तो आप इधर ही खरीद सकते हैं, 10 रुपया 15 रुपया कुछ पड़ते हैं। और जैसे मैंने उधर आगे मंदिर में दिखाया था तो ये फूल रखे होते हैं, आप इधर से उठा के पूजा कर सकते हैं, तो इधर आप पूजा कर सकते हैं। तो जैसे ये उठा रही है ना, ये फूल उठाई, टीका लगाई, तो खुद ही आदमी लोग सभी लोग फूल लगाते हैं, पूजा करते हैं इधर आके। और इधर ही आपको दिया मिल जाता है, अगरबत्ती मिल जाता है, तो आप लोग इधर पूजा कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा दिया होता है तो उधर तो सारा दिया तो जल नहीं सकता है, तो इधर ला के रखा जाता है। प्रीटी व्यू, यू कैन एंजॉय। आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको।
दिस इज द नेपाल फ्लैग, नेपाल का झंडा। एक मंदिर और आगे है, मैं आपको उधर आगे भी दिखाता हूँ। और मंदिर है, जैसे ये पब्लिक लोग ऐसे बैठा है ना, तो ये भी शायद रिनोवेट हुआ है। ये भी आपको अर्थक्वेक में, ये भी आपको अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये भी आपको अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर आपको, एक इधर है, एक इधर है और उस साइड में, तो आपको सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाता है। ये वो दुर्गा पूजा, सॉरी लक्ष्मी पूजा आ रहा है, तो उसके लिए कुछ वेलकम लिखा हुआ है नेपाली में। शंकर भगवान का मंदिर है, ये शंकर भगवान का मंदिर है, ये शंकर भगवान का मंदिर है। ये जो आर्टिफैक्ट है आपको नज़र आ जाएगा इस टाइप से, आई डोंट नो इसे ड्रैगन और क्या है, बेसिकली आपको मेटल का नहीं होता, पीतल का होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। ऑलमोस्ट हर मंदिर में आप एग्जैक्टली आई कैन से ये ड्रैगन है कि क्या है, और गणेश भगवान का है, पीतल का ही है गणेश भगवान का। बेसिकली ऑलमोस्ट मंदिर में बाहर से आपको जूता अलाउ होता है। ये पीपल का जो गाछ है, ये आपको ये बहुत ही पुराना है, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, जैसा पब्लिक लोग बोलते हैं इट्स मोर देन 100 पुराना है। और अच्छी बात है कि आपको कबूतर हर जगह मिलेगा, शांति का प्रतीक है, सभी लोग दाना खिलाते हैं और ऐसे पब्लिक लोग बैठे रहते हैं, ऐसे पब्लिक लोग बैठे रहते हैं इधर। आगे जो है वो भी आपको कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है, वो भी आपको अर्थक्वेक में जो 2015 का अर्थक्वेक आया था तो उसमें गिर गया था। लेट्स शो यू अदर थिंग्स। इधर आपको जो आप ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको मंदिर है, तो साल में सिर्फ एक ही बार, एक दिन के लिए या दो दिन के लिए। तो दुर्गा पूजा में सिर्फ एक दिन के लिए ओपन होता है, आई थिंक इन नौवीं और दसवीं, मैंने उनसे पूछा। ये आपको इंट्रांस है, सो इधर से आप ऐसे जा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको, ये सिंबॉलिक का आपको हर जगह मिल जाएगा, इवन द मंदिर में, स्क्वायर में, दरबार स्क्वायर एंड अदर, ये पता नहीं, ये मतलब ये आपको ड्रैगन का स्टाइल में है, आप मुझे नहीं मालूम क्या है। ये आपको मंदिर का एंट्री होता है, तो ये तो बंद ही रहता है जनरली। ये जो पेसेज है, ये आपका, ये बहुत पुराना है, ये 19th सेंचुरी का है, तो 19th सेंचुरी बोलेगा तो आपको शायद 100 साल से ज़्यादा ही हो गया। अर्थक्वेक में ये मतलब डैमेज हुआ था, तो रिनोवेट का काम कर रहा है। और ये आपको किंग सब जब भी या कुछ असेंबली होता था, तो एक इधर का भी असेंबली है, तो ये मंदिर का साइट का है, तो एक मंदिर आपको एक आगे मैंने दिखाया, तो जो भी इधर आते हैं तो आपको इधर आके इस तरह का जो बना हुआ है, एक मतलब आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा ये आपको इस जगह, इवन नॉट इस जगह, आपको नेपाल में हर जगह आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। बट ये जो हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर है, आपको स्पेशलाइज है, जो
इस तरह का आपको स्टेप वाइज बना हुआ रहता है, एक दो तीन आपको उधर भी मिलेगा, भक्तपुर में भी मिलेगा। सो आई विल कवर इन द समान अदर डे। जो आगे आपको वाइब्रेट का दिखाई दे रहा है तो शायद उस टाइम में आपको जो भी किंग दरबार में काम करते थे तो शायद वो लोग उधर रहते थे, पर अभी वो आपको पुलिस का हेडक्वार्टर नहीं है, मतलब एग्जैक्टली पर पुलिस का ऑफिस हो गया है, छोटा सा अंदर जेल भी है। लास्ट राउंड में आप इधर दिखाता हूँ, एक मंदिर है जिसके नाम से ये पर हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अंदर म्यूजियम है तो अभी तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जैसे ये दिया रखा हुआ है ना ये, तो आप इधर ही खरीद के इधर ही जलाने का है, तो ये शायद डालडा या कपूस का रहता है ये क्या हाल है कौन सा इसमें डालडा हाल है, ये डालडा इसमें डाला रहता है, तो आप इधर ही खरीदो। जैसे वो जो मिट्टी का है तो नो प्रॉब्लम, जो ये ये पीतल का जो है आप इधर खरीद के इधर ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो लोग सिर्फ उसका पर्पीस सब कितना पड़ता है 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया, आप साइज़ के अनुसार आपको पूजा करना है। ये हनुमान जी का बजरंग बली, तो ये हनुमान जी इसलिए इसमें हनुमान दो हनुमान दो का दरबार स्क्वायर बोला जाता है। तो हनुमान तो सबको पता है, ये श्री राम जी का वो है। ये हनुमान दो का दरबार स्क्वायर म्यूजियम का नाम है, ये हनुमान दो का दरबार स्क्वायर म्यूजियम डेवलपमेंट कमेटी। आपको फॉरेनर के लिए आपको 300 रुपया है, नेपाली के लिए 30 रुपया, नेपाली स्टूडेंट 15 रुपया, तो फॉरनर में सारा काउंट हो जाता है इवन इंडियन में। म्यूजियम है तो मैं म्यूजियम किसी और दिन में कवर करूँगा क्योंकि मुझे और दूसरी जगह कवर करना है। कॉस्मेटिक मार्केट दिखाऊंगा, कॉस्मेटिक मार्केट के बाद मैं आपको न्यू रोड का एक राउंड आपको दिखाता हूँ, मैं भी ऊपर चलता हूँ ऊपर जाके। इसके अंदर क्या मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, रेस्ट किया जा रहा है। Completed this part, so we'll move to the the other side. Left side, we'll go from here left. There are cosmetic market milega, and then I will cover the new road. We'll try to cover the Vishal Bazaar. Is I think is one of the oldest mall here. So we are moving to the another place, we'll go that side and after that we'll show you the other things.
इधर कबूतर ही कबूतर है। मजा है, देखते हैं बहुत सारा कबूतर है। इधर कबूतर बन जाए।